हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे समय और काम यानी टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का दोस्तों आज हम चौथा पार्ट पढ़ेंगे। दोस्तों यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, यदि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 5:4 है, यदि ए किसी काम को बी की अपेक्षा 10 दिन पहले समाप्त कर देता है तो वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है। यहाँ पे अगर मान लीजिए ए है और ये बी है और दोनों की कार्य क्षमता का अनुपात 5:4 है। यह कार्य क्षमता का अनुपात है। क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि ए किसी काम को बी की अपेक्षा 10 दिन पहले समाप्त कर देता है। तो यहाँ पे हम समय का अनुपात निकालेंगे और जब समय का अनुपात निकालेंगे तो समय जो होता है क्षमता का उल्टा होता है। अगर क्षमता का अनुपात 5:4 है तो समय का अनुपात 4:5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से दोनों के बीच का डिफरेंस कर देंगे तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 1 का होगा। अब रियल में जो वैल्यू दिया है कितना है? 10 दिन दिया है, तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे। यानी 1 का वैल्यू 10 तो 4 का वैल्यू 40 होगा और 5 का वैल्यू 50 हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हम एक फार्मूला लगाएंगे, दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो समय बराबर क्या होता है? यक्स गुड़े वाई बटे में यक्स प्लस वाई। इसी पे हम रख देंगे, यक्स के जगह 40 रख देंगे और वाई के जगह 50 रख देंगे। तो यहाँ पे रखना है 40 गुड़े 50 और नीचे में यक्स प्लस वाई जोड़ के लिख देना है। तो 40 50 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अब यहाँ से हम काटेंगे तो यहाँ पे कितना बचा? 40 का 5 में गुणा करेंगे 200/9, भाग करेंगे हो जाएगा 22/9, यानी 22/9 दिन, या 22 है यानी 22/9 दिन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए की कार्य क्षमता बी से 20% अधिक है, यदि बी किसी काम को ए की अपेक्षा 10 दिन देरी से समाप्त करता है तो वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये ए दिया है, ए और बी की जो कार्य क्षमता है वह दिया हुआ है। कह रहे कि ए की कार्य क्षमता बी से 20% अधिक है। अगर बी मान लीजिए 100 था तो ये 120 है, क्योंकि 20% अधिक है तो 100 में 20 जोड़ेंगे, 120 हो गया। अब यहाँ से कटा लेंगे 0 से 0 और ये कटेगा, ये 2 से काटेंगे तो 2 × 6 = 12 हो गया और 2 × 5 = 10 हो गया। यहाँ पे ये 5 है यानी इसको हम काट देंगे तो 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10। अब इस क्षमता का जो अनुपात हो गया, क्षमता का अनुपात 4:5 हो गया। तो समय का अनुपात हम पहले ज्ञात कर लेंगे। समय का अनुपात दोस्तों हम बता चुके हैं कि क्षमता जो होता है और समय जो होता है क्षमता का उल्टा होता है। तो यहाँ पे क्षमता का अनुपात 5:4 6:5 है तो समय का अनुपात 5:6 हो जाएगा। अब दोनों का जो डिफरेंस होगा वह होगा 1:1 और बराबर रियल में जो दिया है 10 दिन दिया हुआ है तो हम यहाँ पे 10 दिन लिख लेंगे। अब 1 का वैल्यू 10 तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50 और ये 6 का वैल्यू हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको समय निकालना है तो समय बराबर फार्मूले पे निकाल लेंगे, यक्स गुड़े वाई तो यक्स के जगह 50, वाई के जगह 60 और यक्स प्लस वाई नीचे होता है तो 50 और 60 जोड़ कर लिखेंगे तो 50 और 60 कितना हो जाएगा? 110 हो गया, 110। यहाँ से हम काट देंगे, 50 × 6 गुणा कर लेंगे हो जाएगा 300/11 और यहाँ से हम भाग कर लेंगे तो 27 सही
3/11 दिन, यानी 27 से 3/11 दिन में दोनों काम पूरा कर लेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए की कार्य क्षमता बी से 25% कम है, यदि बी किसी काम को ए की अपेक्षा 5 दिन कम समय में पूरा करता है तो वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक वही तरीका यहाँ भी लगाना है। यहाँ पे ए है और ये बी है, कह रहा है ए की कार्यक्षमता 20 से 25% कम, यानी 20 से 25% कम है, यानी बी का अगर 100 है तो इसका 25% जब कम होगा तो कितना होगा, 75 हो जाएगा। अब यहाँ से काटेंगे, अनुपात में अगर काटेंगे तो 25 75 25 24 100 हो गया। ये हो गया हमारा क्षमता का अनुपात। यह क्षमता का अनुपात दिया है 3:4, तो समय का अनुपात जब निकालेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। 3:4 है तो 4:3 हो जाएगा। ठीक अब दोनों के जो बीच का डिफरेंस है कितना होगा, 1। अब 1 का वैल्यू यहाँ पे दे करके रखा है 5। यहाँ पे कह रहा है कि बी किसी काम को 1 की अपेक्षा 5 दिन कम समय लगता है, तो ये 4 में से 3 हम घटा देंगे तो हो गया अनुपात 1 और ये दिया है 5। अनुपात 1 का वैल्यू 5, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 3 का वैल्यू हो जाएगा 15। अब हमसे पूछा है कि दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेंगे। यहाँ पे समय पूछा है तो समय बराबर वही फार्मूला लगेगा जो पीछे बता चुके हैं, यक्स गुड़े वाई। यक्स के जगह यहाँ पे हमको लिखना है 20 और वाई के जगह लिखना है 15, और 20 और 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब यहाँ से काटेंगे 5 3 15 और 5 7 35 हो गया। 20 का 3 में गुणा कर लेंगे, 20 3 60, अब बटे में 7 हो गया। अब यहाँ से जब भाग करेंगे तो कितना हो गया, 7 56 4 60 हो गया, अब बटे में 7, यानी 8 4/7 दिन में दोनों काम पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है तो वीडियो को जल्द से जल्द लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बी की कार्य क्षमता ए से 20% कम है, यदि बी ए की अपेक्षा किसी काम को 10 दिन अधिक समय में पूरा करे तो वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते कर रहे कि बी की कार्य क्षमता ए से 20% कम है, यानी ए और बी की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता 100 था तो बी का कह रहा है बी की कार्य क्षमता ए से 20% कम है, यानी ए का 100 था तो बी का कितना होगा, 80 होगा। ठीक अब यहाँ से काटेंगे तो 20 25 100 और 20 4 80, यह क्षमता का अनुपात, कार्य क्षमता का जो अनुपात है वह निकल कर आ गया 5:4, तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, तो 4:5 कितना होगा, 5 होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि बी ए की अपेक्षा किसी काम को 10 दिन अधिक समय लगता है, 10 दिन अधिक समय लगता है तो अनुपात का हम डिफरेंस कर देंगे, डिफरेंस कितना होगा, 1 का, और ये कितना दिया है, 10 दिया है। कह रहे 10 अधिक है तो यहाँ पे रियल में 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 का अनुपात, ये अनुपात 1 का वैल्यू 10 है तो 4 का कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 5 का कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब समय पूछा है तो यहाँ पे लिख देंगे 40 × 50/40 और प्लस 50 करेंगे, यानी दोनों को हम जोड़ करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब यहाँ से 0 से 0 कटा लेंगे और ये हो गया 200/9, 200/9 भाग कर देंगे हो जाएगा 22 सही 2/9, 22 सही 2/9 हमारा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को जल्द से जल्द लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।